कराची के सैलाबी इमदादी कैंप में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसको रिपोर्ट करते हुए कलम और आवाज़ दोनों ने साथ देना छोड़ दिया है। न जाने इंसानियत कहाँ दम तोड़ गई है, न जाने हमारे सियासतदानों की तरजीह क्या है, न जाने हमारे हुक्मरानों की दिलचस्पी किन फ्राइज को सर अंजाम देने में है। हमारे सियासतदान ख्वा वो हकूमत में हों या अपोजिशन में, उनकी ख्वाहिश की तस्कीन सिर्फ और सिर्फ प्रोटोकॉल में है कि किसी तरह इनको प्रोटोकॉल मिल जाए। इनकी गाड़ी के पीछे एक लंबी कतार नीली बत्ती वालों की हो, उनकी गाड़ी का गेट खोलने वाला कोई ऑफिसर हो और वो इनको ठोक कर सैल्यूट मारे। बस इतनी सी इनकी ख्वाहिश है जिसको हासिल करने की खातिर इन लोगों ने पाकिस्तान की मजलूम कौम को ऐसा ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है कि वो अपने बुनियादी हकूक के बारे में जानते तक नहीं, और ना ही इनको जानने या हासिल करने में कोई दिलचस्पी रखते हैं। बुनियादी हकूक में सबसे अहम जिम्मेदारी रियासत की इस मजलूम आवाम को सिक्योरिटी देना है, जिसमें हकूमत टोटल नाकाम नजर आती है, जिसकी बड़ी वजह हुक्मरानों की अदम दिलचस्पी है। अब आपको आज के क्लिफ्टन में होने वाले दिलसोज वाकये की तरफ लेकर चलते हैं। कराची में वाकये क्लिफ्टन के पोश इलाके में एक सैलाब मुतासरा बच्ची को इज्तमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया। जी हाँ, सैलाब मुतासरा बच्ची से कैंप में इज्तमाई ज्यादती की गई। ज़राए दावा करते हैं कि बच्ची से ज़्यादती का वाकया दो रोज़ कबल क्लिफ्टन के ब्लॉक 4 में पेश आया, जिसके बाद बच्ची को अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां वो इस वक्त ज़ेरे इलाज है। पुलिस सर्जन ने बच्ची से इज्तमाई ज़्यादती की तस्दीक करते हुए कहा कि बच्ची का मुकम्मल तिब्बी मुआयना किया गया है। उसकी उम्र 8 से 9 साल के दरमियान है। तिब्बी मुआयने से बच्ची से इज्तमाई ज़्यादती की तस्दीक हुई है। पुलिस सर्जन के मुताबिक ये बच्ची कराची में लगाए गए सैलाब मुतासरा कैंप में रिहाइश पजीर थी। इस वाकये के पेश आने के बाद जनाब इज्जत माब चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहिब ने वाकये का नोटिस ले लिया है और रिपोर्ट तलब भी कर ली है, और हाँ, मुल्जिम के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की भी हदायत की है। लेकिन दूसरी जानिब अवाम को इनके एक्शन और इनके अहकामात पर जर्रा बराबर भी भरोसा नहीं। इस मजलूम अवाम का कहना है कि ये कोई पहला वाकया नहीं, ऐसा पाकिस्तान में हर रोज होता है। अवाम का अपने हुक्मरानों से बहुत ही सादा सा सवाल है कि ये वाकया क्यों कर पेश आया, कौन जिम्मेदार है, और क्या असल जिम्मेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। तो जवाब भी ये मजलूम अवाम खुद ही देते नजर आते हैं कि इसका मुख्तसर और आसान जवाब है, नहीं।